सबों को नमस्कार। आज का क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको शॉर्ट में डीएमयू कहते हैं। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या स्टूडेंट्स? मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसमें क्या बताए थे कि जब हम कंजप्शन करते हैं किसी कमोडिटी का कंटिन्यूसली, तो उसके हर अगले वाले यूनिट से, यानी जो उसका सक्सेसिव यूनिट होता है, उस सक्सेसिव यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो डिमिनिश करता है, यानी कि डिक्रीज करता है, घटता है। जैसे पहले हम टेबल में ही थोड़ा सा यहां पर बात करें कि आपको फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन सेकेंड यूनिट से नहीं मिलेगा, थर्ड यूनिट से और कम होगा। कैसे? तो इसमें क्या बताएं, ये तो जो मेरे साथ होता है वही आपके साथ भी होता है, सबों के साथ होता है। यानी तो थोड़ा सोच करके देखिए, पता चल जाएगा। फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप रियलाइज करोगे सेकेंड से उतना नहीं मिलेगा, थर्ड से और कम हो जाएगा, यानी कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और यदि बढ़ता तो दुनिया में तो आज ऐसे ही इतनी समस्याएं हैं, परेशानी है, और बढ़ जाता, क्योंकि जो जिस चीज में लग जाता उसी में लगे रह जाता, खाने बैठता तो खाते रह जाता। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो बढ़ता जा रहा है और सबका कोशिश होता ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने का। तो एक पीस खाए जितना मजा आया, दूसरे से और ज्यादा आएगा, तीसरे से और आएगा, तो और उसमें जी जान से लग जाएंगे ना। लेकिन रियलिटी क्या है कि अपने धीरे धीरे क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं ना, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। तो ये होता है, ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, हम सबों के साथ होता है। और ये केवल हम लोग हमारे इंडिया में नहीं, बल्कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉर्नर में आप जाओगे तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन आता है लोगों के सामने। तो पहले से हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन, दूसरे से कम, तो पहले से मान लेते हैं कि जितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम 10, मार्शल कहा ही है कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले से जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको 10, और सेकेंड से पहले से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कम मिलेगा तो इसको हम कम नंबर दे दिए। इसको यूटिल्स कर सकते हैं, ये 10 यूटिल्स हो गया, ये 8 यूटिल्स हो गया, फिर 6, उसी तरह 4 में आकर के 4, 5 में आकर के 2, और 6 में आकर के 0। ये 6 में आकर के 0 होना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हम जो कंजप्शन कर रहे थे और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो 0 हो गया, यानी कि कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यानी कि 6 यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा यूटिलिटी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जब छठे से कुछ नहीं मिला तो क्या सातवें में पॉसिबिलिटी है? नहीं है। सातवें में अगर जाओगे तो कैसा फीलिंग होगा? लगेगा बेकार, यानी कि नहीं खाना चाहिए था, नहीं यूज करना चाहिए था, नेगेटिव फीलिंग हो गया। अब तक तो पॉजिटिव थे लेकिन इधर क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन एक चीज है, रियलिटी है कि जब तक आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है सेटिस्फेक्शन तो उसका कंजप्शन करेंगे, जब सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। खास करके यदि ये यूनिट जो है हर यूनिट आपको फ्री में मिल रहा हो, तो पैसे लगेंगे तो सोचेंगे, क्योंकि पैसे का भी कुछ वर्थ होता है, तो वो दे करके हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो पैसे का ख्याल भी आ जाता है। लेकिन फ्री रहेगा तो हम कहां तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे, 7th में नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं पूरे आंसर को। पहले आपको यही करना है तब ये टेबल बनाना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच इज नोन एज नोन बाय मेनी नेम्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच इज नोन एज मेनी नेम्स लाइक फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कहेंगे। फंडामेंटल मतलब आधारभूत, बेसिक लॉ है सेटिस्फेक्शन का, ऐसा होता है, सबों के साथ होता है।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी पूरे जैसे होता है ना कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है। उसी तरह से ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप कंजप्शन करोगे तो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो क्या करेगा, डिमिनिश करेगा, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉ कह रहे हैं। लॉ डीएमयू, डीएमयू शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब हो रहा है हर यूनिट क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, क्वालिटी को लेकर के, सेपन साइज को लेकर के एक जैसा हो। तो जैसे मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट का आप कंजप्शन करोगे, कैस कब, कंटिन्यूसली, गैपिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक यूनिट आज कंजप्शन करें और अगला यूनिट अगले दिन कंजप्शन करें, तब ये लॉ फेल कर जाएगा। आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो अभी करना है, एक पीस खाएंगे, दूसरे पीस को खाएंगे, तीसरे पीस को खाएंगे, तब हमको ये फीलिंग आएगा, क्या सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेंड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी हर अगले यूनिट से, गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो घटता चला जाएगा। और इस लॉ का कुछ एजम्पशंस हैं, क्योंकि एजम्पशंस तो आप पढ़ते ही हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं यदि तो फिजिक्स वगैरह में भी ढेर सारा लॉ आप देखते होंगे, सबके एजम्पशंस होते हैं, लेकिन इसका एजम्पशंस में उतना दम नहीं है। क्या कह रहा है, कंज्यूमर शुड बी रेशनल, कंज्यूमर तो रेशनल होता ही है, मतलब रेशनल का मीन्स होता है कि उसको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत सब में ये शक्ति होती है सोचने समझने की। हाँ, कोई मेंटली अगर फिट नहीं है, पागल जैसा हो गया है, तो फिर हो सकता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या अच्छा है क्या खराब है। उसको पूछो कि पहला अच्छा लगा कि जी दूसरा अच्छा लगा, तो क्या बताएगा, कहना मुश्किल है। या कभी कभी लोग नशा कर लेता, भांग वगैरह खा लेता है, तो उसी कंडीशन में भी ये लॉ को आप सही ढंग से फाइंड नहीं कर पाएंगे। यूनिट ऑफ गुड्स मस्ट बी आइडेंटिकल, हाँ ये तो होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, आइडेंटिकल भी होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं। अब जैसे मान लेते हैं आपको प्यास लगा है, एक बूंद मुंह में पानी दे दिया, क्या सेटिस्फेक्शन मिला, एक बूंद ड्रॉपर से क्या सेटिस्फेक्शन मिला, आप समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर पूरा जो घूंट होता है मुंह में डालने का, वो अगर एक घूंट पूरा लीजिए, तो फिर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, दूसरे से ज्यादा, पहले बूंद से ज्यादा दूसरे में होगा, क्योंकि पहला बूंद जो था वो बूंद था, छोटा था, ये घूंट है थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये साइज में थोड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूसली यूज करेंगे, तब ये आपको पता चलेगा कि हाँ डिक्रीज कर रहा है यूटिलिटी, यानी सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यदि पैसे लगाए, फ्री में है तो कोई बात नहीं, यदि पैसे लगा रहे हैं, पैसे लगा करके कोई चीज को खरीदते हैं, तो सेम हर पीस के लिए अगर सेम मनी लग रहा हो, यानी दस रुपया में कोई एक पीस मिला तो दूसरे पीस भी दस ही रुपया में, तीसरे पीस भी दस ही रुपया में, तब फिर ये चीज होगा, तब आपको लगेगा नहीं पहले में जितना पैसा दे करके जो लिए सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे में भी पैसा उतने लग रहा है, तब आप रियलाइज करते हैं कि उस सेटिस्फेक्शन उस हिसाब से हमको नहीं मिला। लेकिन जहां तक सेटिस्फेक्शन घटने की बात हो रहा है, तो अगर पहला दस रुपया में मिला पहला पीस, दूसरा पीस नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं हो गया दस रुपया फिर कौन लगाता है इसमें, लेकिन वो कहते कि नहीं दो ही रुपया हम दूसरा पीस देंगे, अब हमको लगता है कि पहला दस रुपया में एक पीस हुआ था, दूसरा वही चीज है और दो ही रुपया में दे रहा है, तो हमको लगता है आप रियलाइज करोगे कि नहीं दूसरे में ही हमको ज्यादा फायदा हो रहा है, दूसरे में ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या था, मनी का जो है सो प्राइस जो है उस कमोडिटी का वो चेंज कर गया, इसलिए लिखे हुए हैं प्राइस शुड बी कॉन्स्टेंट, लेकिन वहां तो कॉन्स्टेंट रहा नहीं, प्राइस डिक्रीज कर गया। तो ये है कुछ आपका एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस रहेगा तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लीकेबल होगा। इसको थोड़ा डायग्राम में भी दिखा देते हैं, बड़ा इजी है। यूनिट्स ऑफ गुड्स इंक्रीज कर रहा है तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो ऐसा करते हैं, इधर यूनिट्स ऑफ गुड्स ले लेते हैं, ये बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर 2, 10 तक गया है, माइनस से शुरू करते हैं, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये यूनिट्स बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका जो पहले यूनिट से सेटिस्फेक्शन कितना मिला है 10, ये हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट से कितना हुआ 8, थर्ड यूनिट से 6, फोर्थ यूनिट से 4 एंड फिफ्थ यूनिट से 2 एंड सिक्स्थ यूनिट से 0, यहां पर एमयू हो गया 0 और सेवंथ यूनिट से -2। एक बार और ध्यान देंगे, फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 10, सेकेंड यूनिट से 8 है, सेकेंड यूनिट से 1, थर्ड यूनिट से 6, फोर्थ यूनिट से 4 एंड फिफ्थ यूनिट से 2 एंड सिक्स्थ यूनिट से 0 और लास्ट सेवंथ यूनिट से -2। तो आप देख सकते हो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है, डिमिनिश करता चला जा रहा है। इस टेबल और डायग्राम को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव टेबल एंड डायग्राम एज कंजप्शन ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, जैसे कंजप्शन इंक्रीज करोगे गुड्स का, द यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फॉलिंग वो क्या होगा, कम होगा। दिस मीन्स दैट इन कंजप्शन सेक्टर डीएमयू इज अप्लीकेबल, यानी जब भी हम कंजप्शन करेंगे तो वहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लीकेबल होगा। ये था आप लोगों के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पूरा आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखना हो पहले इधर का पूरा चीज मेंशन करके फिर लिख देंगे कि इसको हम एक टेबल और डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक टेबल बना देंगे, एक डायग्राम बना देंगे और फिर 2-3 लाइन टेबल और डायग्राम का नीचे एक्सप्लेनेशन में जरूर दे दिया कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, थैंक यू, बाय।